पाठ 11 महात्मा बुद्ध और अंगुलिमाल। इस पाठ में एक कुख्यात डाकू अंगुलिमाल के विषय में लेखक ने यह बताया है कि वो बुरे काम करता था, मगर जब वह महान संत महात्मा बुद्ध की संगति में आया तो वह सुधर गया। बच्चों, अच्छी संगति में रहने से मनुष्य अच्छा तथा बुरी संगत में रहने से बुरा बनता है, इसलिए सदैव अच्छी संगत में रहो। एक बार महात्मा बुद्ध मगध की राजधानी राजगृह से चलकर श्रावस्ती पहुंचे। श्रावस्ती कौशल की राजधानी थी। वर्तमान अयोध्या के आसपास का प्रदेश उस समय कौशल कहलाता था। वहां के राजा प्रसेनजीत महात्मा बुद्ध के शिष्य थे। श्रावस्ती पहुंचने पर महात्मा बुद्ध ने राजा को बड़ा व्याकुल पाया। पूछने पर राजा ने कहा, भगवान अंगुलिमाल डाकू से मेरी प्रजा त्रस्त है, इसी से मैं बहुत चिंतित हूं, क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता। महात्मा बुद्ध ने राजा को धीरज बंधाया और कहा, मैं तुम्हारी चिंता दूर करूंगा। अंगुलिमाल बड़ा भयंकर डाकू था। उसके अत्याचार से प्रसेनजीत की प्रजा त्राही त्राही कर रही थी। उसने हजार आदमियों की हत्या करने की प्रतिज्ञा की थी, परंतु वो कितने आदमियों को मार चुका इसका हिसाब रखना उसके लिए मुश्किल था। इसके लिए उसने एक युक्ति निकाली। जब वो किसी का वध करता तो उसकी एक अंगुली काट लेता। इस प्रकार उसके पास अंगुलियों की एक माला सी बनती जा रही थी, जिसे वो गले में डाले रहता। इस कारण उसका नाम अंगुलिमाल पड़ गया था। अंगुलिमाल का नाम सुनकर लोग कांप उठते थे। वो जिधर निकल जाता चीख पुकार मच जाती। उसकी क्रूरता की कहानियां दूर दूर के प्रदेशों में भी फैल गई थी। प्रसेनजीत से विदा लेकर महात्मा बुद्ध उस जंगल की ओर चल पड़े जिसमें अंगुलिमाल रहता था। जहां जंगल शुरू होता था वहां राजा की ओर से पहरेदार नियुक्त था, जो उधर जाने वालों को सावधान करके रोक देता।